नमस्कार। आज इस सीएससी दिवस महिला वीएलई समारोह में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी संचार कानून और न्याय मंत्री हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्री रविशंकर प्रसाद जी, जिन्होंने दूर दराज के गांव गरीबों तक रसोई गैस पहुँचाई, ऐसे पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस समारोह में उपस्थित, सचिव साहनी जी, दिनेश त्यागी जी जो पूरा इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रहे, पंकज कुमार जी, सभी संबंधित विभागों के अधिकारी और पूरे भारत देश से आई हुई हमारी महिला वीएलई, सभी माता बहनें, पत्रकार बंधु और मित्रों, वैसा जो प्रेजेंटेशन था और जो मार्गदर्शन साहनी जी ने किया उसमें बहुत सारी बातें इसमें आ गई और मुझे थोड़ा आदेश हुआ, क्योंकि मैं हमारे मंत्री जी है उनको जल्दी से कुछ उनका पार्लियामेंट्री वर्क है, वहाँ भी जाना है, तो मैं ज़्यादा कुछ इसमें बोलूँगा नहीं। लेकिन 2006 में ये शुरू हुआ था और 2015 में सीएससी दो परियोजना शुरू हुई और 14 में जो 13,000-14,000 महिलाएं थी वो आज करीब करीब 75,000 के ऊपर पहुंच गई, वो जल्दी से लाख में पहुंच जाएंगी। सीएससी जो है, एक तो आज का जो दिन है जिसको दुग्ध शर्करा योग कहते हैं, वैसा आज हमारे जीवन का बहुत बड़ा दिन जिसको गुरु पूर्णिमा हम कहते हैं, ये बहुत बड़ा योग है, क्योंकि आज हमारी सब बहनें यहाँ पे आई हुई है और हमारे जीवन में गुरु का जो महत्व है, हमारे जन्म के बाद सबसे पहला अगर हमारा कोई गुरु होगा तो हमारी माता रहती है, हमारी माँ जो हमारी गुरु रहती है, और जितने भी महापुरुष हुए उनके जीवन में उनकी जो गुरु, उनकी माँ, उसका बहुत बड़ा योगदान है। और वैसे ही इस देश में जो कुछ हो रहा उसमें भी एक इसका बहुत बड़ा योगदान है, और आज आप सभी हमारी जो माता बहनें हैं उन्होंने ये सिद्ध कर दिया। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार आई, इसके पहले भी कई सरकारें आई, कोई योजना आती थी, योजना आने के बाद में लोग सोचते थे कि ये योजना हमारे लिए नहीं है, लोगों में झगड़े हो जाते थे, लेकिन इस सरकार ने जो भी योजना लाई वो योजना सबको लगता था कि ये हमारे लिए है, कोई जात पात मजहब इसके लिए योजना नहीं थी। अब योजनाएं तो कई आती लेकिन उसका क्रियान्वयन जो है, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है, वैसे मेरे गुरु यहाँ पे है रविशंकर जी, और पहले भी हमारे गुरु रहते थे तो उनका जो प्रिय शिष्य रहता था उसको मंत्र देते थे और वो कान मंत्र रहता था, उसके कान में बोलते थे, बाकी लोगों को पता नहीं रहता था कौन सा मंत्र दिया। लेकिन हमारे सबके ये गुरु है, इन्होंने सबको एक मंत्र दिया और वो मंत्र है, क्या मंत्र है वो मंत्र है सीएससी। और उनके साथ में त्यागी जी का जो योगदान है, क्योंकि हमारी कोई मीटिंग ऐसी जाती नहीं कि जिसमें सीएससी के बारे में हमारे मंत्री जी बोलते नहीं, और त्यागी जी तो हमेशा बात करते तो मेरे बच्चे बोलते, आज भी उनके मुंह से जो शब्द निकला, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा परिवार बनाया जिसके लाखों सदस्य हैं, और मुझे ऐसा लगता कि पिछले 5 सालों में जो 25 साल में जितना काम नहीं होता उससे कई गुना काम हुआ, और उसका सबसे बड़ा अगर कोई कारण होगा तो ये सीएससी है।
क्योंकि आज तक कई योजना थी लोगों को पता भी नहीं रहता था। आज हर गांव को डिजिटल बनाने का सपना है, हर घर में डिजिटल लिटरेसी जाए, डिजिटल साक्षरता जाए, ये हमारा सपना है। और इसका सबसे बड़ा माध्यम अगर कोई होगा तो आप सब लोग हो, हमारी माता बहने हैं। कोई भी योजना, उज्ज्वला गैस, आयुष्मान भारत, पेंशन स्कीम, ये सब जो योजना है, इसका क्रियान्वयन जो हुआ और उसमें जो गुणात्मक बदल हुए, उसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग है। मैं समय की कमी के कारण ज़्यादा देर तक नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना ही कहता हूँ कि 5 साल पहले जो एक छोटा सा पौधा था, उसको हमारे मंत्री जी ने रोपित किया, उसका अच्छी तरह पालन पोषण किया और उसको अभी फल लग रहे। हम जानते कि वृक्ष जो है जितनी मजबूत होती है, वो जितना बड़ा होते जाता उतने फल भी ज़्यादा लगते, और कई वर्षों तक नहीं अगले पीढ़ी को भी इसके फल मिलते रहेंगे। इस शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।